नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों पाटलिपुत्रा क्लासेज, ये जो है सिविल सर्विसेज क्लासेज के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्न में से कौन सा देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो भारत की जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये जो है भारतीय मानक समय जो यही कहलाती है। और ये जो है कुल 5 राज्यों से गुजरती है, और 5 राज्यों से इस प्रकार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किस तारीख को जो है वसंत विषु प्रतिवर्ष होता है। तो प्रतिवर्ष जो है वसंत विषु होता है 21 मार्च को, और शरद विशुद्ध की बात होगी तो वो हो जाएगी 23 सितंबर को, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बुग्याल घास भूमि हिमालय की किस श्रेणी की पर्वतमाला से संबंधित है। तो ये बुग्याल घास की भूमि जो है हिमालय के श्रेणियों की बात करें तो ये जो है निम्न हिमालय या फिर मध्यम हिमालय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हिमालयन पर्वत श्रेणी के किस भाग में बर्निहाल दर्रा है। तो बर्निहाल दर्रा किसके अंतर्गत है, तो यह है मध्य हिमालय के अंतर्गत। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में लिखित में से कौन सी जो है उच्चतम चोटी नेपाल हिमालय में अवस्थित है, यानी कि हिमालय के जो है प्रादेशिक भागों में नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन सी चोटी अवस्थित है। तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है और मकालू है। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक आंसर जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सोमशिला बांध, तो सोमशिला बांध कह रहा है किस राज्य में है। तो ये राज्यों की बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है सोमशिला बांध। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ब्रह्मपुत्रा नदी में दाएँ किनारे से निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी में जो है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा के दाएं किनारे पर मिलती है, तो ये नदियों है मानस नदी। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है भारत का पहला सौर तालाब परियोजना गुजरात के किस शहर में स्थापित किया गया। तो गुजरात के भुज शहर में स्थापित किया, जो कि कच्छ दैड़ी है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लिथियम के प्रोजेक्ट पर उत्खनन किया जा रहा है। तो लिथियम के प्रोजेक्ट पर उत्खनन किया जा रहा है कर्नाटका में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है। तो लगभग देखा जाए तो 44% जो है भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तागीन और निची शीस जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये सभी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है चपियार कोट त्यौहार, तो ये चपियार कोट त्यौहार यह मनाया जाता है मिजोरम में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में तातापानी भूतापीय क्षेत्र भारत के किस जिले और किस राज्य में अवस्थित है। भूतापीय में यानी कि तातापानी भूतापीय क्षेत्र, तो भारत के किस राज्य और क्षेत्र में है, तो ये जो है सरगुजा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है तातापानी भूतापीय क्षेत्र। अगले सवाल को देखें, कहता है परमाणु ऊर्जा स्टेशन और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, यानी कि कौन सा किस राज्य में अवस्थित है, इसके अनुसार से जो है उत्तर देना है। तो कैगा कहाँ पर है, कर्नाटका में है, फिर मुद्रा गुजरात में है, फिर उसके बाद शासन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और नरोड़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा, यानी कि मुद्रा गुजरात में है और शासन मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा दिए गए विकल्प में पेंटागोनिया का पठार का प्रकार क्या है। तो पेंटागोनिया के पठार का यह प्रकार जो है ये पीडमोंट पठार के प्रकार में है। अगले प्रश्न को देखें, माउंट रेनियर ज्वालामुखी
तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी यह है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, और चिम्बा रेजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, और फिर लॉकी ज्वालामुखी आइसलैंड में है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है ये तंजानिया में है। इस प्रकार से मैचिंग होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पीला समुद्र स्थित है? तो पीला समुद्र स्थित है चीन और कोरिया के बीच में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन सी जो है धारा ठंडा के रूप में बहती, यानी कि ठंडी जलधाराएँ कौन सी है? तो ये हो जाएगी हम्बोल्ट जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है डॉल्फिन चैलेंजर कटक निम्न में से किस समुद्र में अवस्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है अटलांटिक महासागर में है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से समुद्री जैविक भाग के किस श्रेणी में जो है सबसे निचली हिस्से के प्राणी का जीवन होता है? तो कहता है समुद्री जैविक भाग के किस श्रेणी में जो है सबसे निचले हिस्से के प्राणी का जीवन होता है? तो ये होता है बैंथस। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेबराडोर की ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं? तो ठंडी और गर्म जलधाराएँ जो मिलती हैं तो वो है न्यूफाउंडलैंड अटलांटिक क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या देश में ब्लू माउंटेन कॉफ़ी पाया जाता है? तो ब्लू माउंटेन कॉफ़ी ये जमैका में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है सही तरीके से सुमिलित करने के लिए एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ जो है देश दिया हुआ है। तो देखें तो डोनबास हो जाएगा यूक्रेन में, फिर जो है रूर हो जाएगा जर्मनी में, लॉन्केशायर कहाँ पर होगा यूनाइटेड किंगडम में, और ऑपलेशियन हो जाएगा अमेरिका में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है पश्चिमी मरुभूमि में अवस्थित कालगुरली और कुलगार्डी ये प्रसिद्ध खनन उत्पादक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस देश में? ये स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है, स्वर्ण खनन, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मैप सूची में नहीं है? तो यूनेस्को के मैप सूची में नहीं है तो ये पन्ना इसके अंतर्गत नहीं है। अगले सवाल को देखें, कथा हाथी परियोजना कब चलाया गया था? तो ये फरवरी 1992 में चलाया गया था, और बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो वो 1973 में चलाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कॉप के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन प्रारंभ किया गया था? तो ये COP 21 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन प्रारंभ किया गया था, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में स्थापना हुआ गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन और कॉप में जो है क्रमशः ग्रीन जलवायु कॉप यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कैनकून और 16वां कॉप जो है सम्मेलन में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की सर्वाधिक वेग होती है? तो प्रकाश की सर्वाधिक वेग ये होती है निर्वात में। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सी राशियां सदिश है? तो संवेग जो है सदिश होती है, जबकि चाल ऊर्जा ये सब अदिश है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से घनत्व और दाब कैसा है मात्रक? तो घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरंग केवल ठोस और द्रव में प्रस्तुत किया जाता है? ठोस और द्रव में प्रस्तुत किया जाता है तो यह है अनुप्रस्थ तरंगे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जब आंखों में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब अपवर्तन का अधिकांश भाग कहां पर पाया जाता है? तो अपवर्तन का जो है अधिकांशतः भाग ये पाया जाता है कॉर्निया के बाहरी सतह पर। अगले प्रश्नों को देखें, इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटना सम्मिलित है? तो इंद्रधनुष में अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, और आंतरिक परावर्तन होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है प्रति इकाई अश्वशक्ति को कितनी वाट में मापा जाता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगले प्रश्न को देखें, हालांकि यहां भी सेम बात लिखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक फ्यूज पर एक जो है फ्यूज
एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। तो फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है, यह मिश्र धातु के द्वारा बनाया जाता है जिसमें क्रमशः कौन कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है। तो टीन और शीशा का प्रयोग किया जाता है, टीन 63% और शीशा 37% यूज किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहा गया है निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा की स्रोतों की देखें तो यह है जीवाश्म ईंधन जो कि समाप्त होने वाली है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो वेधन क्षमता सर्वाधिक जो है गामा किरण की होती है और अल्फा किरण की यानी कि अल्फा किरण की जो है बाकी जो है सर्वाधिक होती है, जैसे कि तरंग धैर्य। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसी पदार्थ में भाग लेता या जोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग यानी किसी भी पदार्थ के किस भाग में भाग लेता है या जोड़ा जाता है, इस किस प्रकार के अभिक्रिया में, तो ये लेता है अवकरण वाले अभिक्रिया में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा अम्लराज के मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का मिश्रण मिला होता है। तो अम्लराज की बात होगी तो इसमें पाया जाता है सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl पाया जाता है। 3 HCl रहता है और 1 जो है नाइट्रिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ सूत्र दिया गया है, एक तरफ जो है रासायनिक नाम दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O और बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है और ब्लीचिंग पाउडर में जो है CaOCl2 होता है और फिर सोडियम सल्फेट की बात करें तो Na2CO3 और 10H2O होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मणि पत्थर जो है नीले रंग में पाया जाता है। इनमें से कहता है कौन से मणि पत्थर नीले रंग में पाया जाता है, मणि पत्थर नीले रंग में। तो ये जो है सेफरी यानी कि Al2O3+Fe यानी ये पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एचिसन प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। तो एचिसन प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ये ग्रेफाइट के बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फ्लोरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्लोरीन के बारे में देखा जाए तो कहा जाता है कि यह जो है सर्वाधिक क्रियाशील अधातु सत्य है और सर्वाधिक विद्युत नकारात्मक ये भी सत्य है और मजबूत ऑक्सीकारक ये भी सत्य है और चिपकने वाला सतह ये जो इसी के बारे में जो है गलत कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कार्बोरंडम क्या है। तो कार्बोरंडम के बारे में पूछा जा रहा है क्या है, तो यह जो है सिलिकॉन कार्बाइड है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड के रूप में जो है स्टार्च सेलुलोज पाया जाता है जो कि ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फ्रियोन क्या कहलाते हैं। तो फ्रियोन यानी कि किसके निर्माण से जो है किससे जो है फ्रियोन बने होते हैं, तो ये होते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बनने से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से पत्ती का कौन सा भाग पत्ती को तना यानी कि डर्टल से युक्त करता है। तो तना से युक्त करता है पत्ती का कौन सा भाग, तो ये करता है पर्णवृंत यानी कि पेटिल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पादप अकारिकी विज्ञान में पर्व संधियाँ तथा पर्व पादप के किस संरचना में निम्नलिखित में पाया जाता है। तो पादप अकारिकी विज्ञान में पर्व संधियाँ तथा पर्व पादप के किस संरचना में निम्नलिखित में से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तना में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हड्डी यानी कि अस्थि के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है जो आसीन कहलाता है। तो जो आसीन कहलाता है ये होता है मैट्रिक्स में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा हेपेरिन का श्रावण होता है। तो कोशिका का नाम बताना है जहाँ पर हेपेरिन का श्रावण होता है, वो है मस्ट कोशिका। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस पादप जगत के प्रकार से यूकेलिप्टस संबंधित है।
तो यूकेलिप्टस जो है वृक्ष यानी कि किस पादप वर्ग से ये संबंधित हैं, तो ये हैं एंजियोस्पर्म से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है मूंगा यानी कि कोरल नहीं है, तो ये हो जाएगा बर्ड फ्लोक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से पाचन से संबंधित कौन सी ग्रंथि है जो विटामिन ए डी और विटामिन बी 12 का निर्माण करती है, तो यह है यकृत। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो यह है वेनोल्स। अगले प्रश्नों को देखें, कथा उपास्थि और अस्थि अंग निम्नलिखित में से किस भ्रूण अवस्था के जीवों के सतह के अंतर्गत विकसित होता है, तो यह विकसित होता है मेजोडर्म में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल में नाइट्रेट की बहुत अधिक मात्रा के कारण होती है, तो यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जबकि इटाइटाई कैडमियम के कारण से होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है, तो विषाणु के कारणों की बीमारी को देखें तो इबोला, हर्पेज, इन्फ्लुएंजा, खचरा, ये सभी के सभी जो है विषाणु के कारण ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगी अपने आँखों द्वारा मुख्यतः लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ये रोग है वर्णांधता, जो कि लाल हरे में विभेद नहीं कर पाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग विषाणु के कारण से होती है, तो विषाणु के से कारण से देखा जाए तो यह होता है रानीखेत, जो कि मुर्गियों में होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पाषाण संस्कृति के अंतर्गत जो है हैंड एक्स संस्कृति का जो है संबंध है, तो हैंड एक्स संस्कृति का संबंध है निम्न पूर्व पाषाण का। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने जाने की प्रथा प्रचलित थी, तो ये हुआ था बोर्ज होम में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा हड़प्पा के टीले को सबसे पहले किस पुरातत्ववेत्ता ने उल्लेख किया था, तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले उल्लेख जो है चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है महाजनपद और उसकी राजधानियां है, तो मैचिंग कराते हैं, तो आपको पता है कि अस्मक की राजधानी कहाँ पर है, तो यह है पोटन या फिर पाटन, और अवंती की राजधानी महिष्मती उज्जैन, और मत्स्य की विराटनगर, और कंबोज का राजधानी कंबोज या फिर हाटक, इस प्रकार से मैचिंग होगा। तो अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक या संघ का नेता चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहा था, तो ये रहा था वसुमित्र, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगले प्रश्नों को देखें, मौर्य राजा के किस दरबार में दार्शनिक डायोनीसियस राजदूत भेजा गया था, तो डायोनीसियस किसके दरबार में आया था, तो ये आया था अशोक के दरबार में, जबकि डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। रानी का अभिलेख किस अन्य प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, तो कौसाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, मौर्य साम्राज्य में नगद के रूप में अदा किए जाने वाले कर कौन सा था, तो ये नगद के रूप में हिरण्य कर जो है अदा किया जाता था। अगला प्रश्न देखें, कथा है उसके शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख मिलते हैं, और उसके राजत्व शासन के अंतर्गत विश्व की महान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, और उसने पुष्मित हुन जाति को पराजित किया, और उसने सूर्य मंदिर का निर्माण किया, यह कथन किस गुप्त शासक के बारे में कहा गया है, तो यह है कुमार गुप्त के प्रथम के शासन, यानी किसी के बारे में ऐसा कहा गया है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कथा गुप्त काल में पहली बार सिविल और दंडिक नियमों को परिभाषित किया गया था, उस काल में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे माना जाता था, तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर माना जाता है महादंड नायक को। अगला सवाल देखें, कथा अश्वशास्त्र ग्रंथ संबंधित है, तो अश्वशास्त्र ग्रंथ ये संबंधित है किससे, शालिहोत्रा से। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है कैवर्तों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, किसने पवनदूत नामक काव्य लिखा था, तो पवनदूत के लेखक हैं धोई नामक कवि। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है सल्तनत काल में किस स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो है उसके कार्यालय को कहा जाता है, तो किसी
कहता है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत उसके कार्यालय को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में, तो ये कहा जाता था मुक्ति, वली और नायब। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित शासक के काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था देवरा द्वितीय के समय में, और देवरा प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी आया था, नूनिज अच्युत राय के समय में आया था, और डोमिंगस पायस आया था कृष्णदेव राय के समय में, बारबोसा और डोमिंगस पायस। अगला सवाल देखिए, कहता है मीरी और पीरी क्या है, तो मीरी और पीरी ये जो है सांप्रदायिक शक्ति और लोक नृत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस सिलसिला को बलि के रूप में जाना जाता है, तो बलि के रूप में जाना जाता है चिश्ती या फिर सुहावर्दी संप्रदाय यानी कि सूफी संप्रदाय, तो ये दिए गए ऑप्शन में है नहीं, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ऐसी जागीर जिन्हें उनके ही ग्रह क्षेत्र में दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसी जागीर जिन्हें उनके ही ग्रह क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ऐसी जागीर को क्या कहा जाता था, तो यह था वतन जागीर। औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो ये था पीटर मूडी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यूरोपीय कंपनी को उनके स्थापित वर्ष के आधार पर कालाक्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, फिर डच की बात करें तो ये 1602 में हुआ था, और डेनिश की बात करें तो ये 1616 में हुआ था, फिर फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस गवर्नर जनरल ने जो है बांटो और राज करो की नीति को अपनाया था, और उसी कारण जो है पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए स्थापित किया गया था, तो ये बांटो का नारा फूर डालो शासन करो का ये जो है नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किन दो देशों के बीच एलक्सापल सैपल की संधि हुई, एक्सला सैपल की संधि कहता है किन दो देशों के बीच हुई थी, तो ये हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अगले प्रश्न को देखें, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला गडकरी विद्रोह से संबंधित था, तो गडकरी विद्रोह से संबंधित जिला है कोल्हापुर। अगला सवाल देखें, भारत धर्म महामंडल स्थापित किया गया, तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह था पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। अगले सवाल को देखें, शिक्षा से संबंधित आयोग को उनके स्थापना के आधार पर घटते क्रम में के कालक्रम में व्यवस्थित करना है, अब घटते कहता है यानी कि बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े नहीं हैं, तो हंटर कमीशन की बात करें तो 1882 ईस्वी में, सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में, और सेडलर कमीशन की स्थापना 1917 ईस्वी में, और हार्टोक कमीशन की स्थापना 1929 ईस्वी में, ये हुई थी। अब इसको जो है कहता है बड़े से छोटे की ओर यानी घटते क्रम में जाना है, तो पहले दो हो जाएगा दो, और उसके बाद देखें तो फिर उसके बाद हो जाएगा चार, तो दो चार उसके बाद फिर तीन हो जाएगा, और उसके बाद 1882 यानी कि एक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस नाम की लोकप्रिय श्रेणी की जीवनी लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये जोसेफ मेजनी और गैरिबाल्डी ये दोनों की जीवनी जो है लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, बंगाल के विभाजन के पीछे सबसे पहले किसका विचार था, तो बंगाल विभाजन के पीछे सबसे पहले विचार यानी कि यह था विलियम बर्ड का। अगले प्रश्नों को देखें, कौन जो है दिल्ली संयंत्र के संगठन में दोषी पाया गया और उसे बाद में फांसी पर लटका दिया गया, तो बसंत कुमार विश्वास था, अमितचंद था, अवध बिहारी था और रास बिहारी बोस था, उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर एक्ट के द्वारा 1919 के एक्ट के त्रुटियों को दूर करने के लिए गठित की गई थी, तो इस त्रुटियों को दूर करने के लिए गठित की गई थी मोडी मैन कमेटी। अगले प्रश्नों को देखें,
निम्नलिखित में से किन सदस्यों द्वारा जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। गांधी जी केवल दूसरा अधिवेशन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, उसमें प्रेजेंट हुआ था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लाहौर में रावी नदी के किनारे लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले सवाल को देखें, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किस तिथि को किया गया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में किया गया। अगले सवाल को देखें, कथा कितनों दिनों के लंबी पाद यात्रा के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को डांडी में 5 अप्रैल 1930 को तोड़ा था? तो ये 24 दिनों के जो है लंबी यात्रा के बाद किया था, क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखें, कथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत किए जाने वाले सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोकसभा के सीटों और राज्यों के सीटों और प्रत्येक राज्य के भागों और उसके सीमावर्ती संवैधानिक क्षेत्रों के चुनाव के संदर्भ में 1971 के जनगणना को आधार रखा गया है। तो वह वर्ष की, कहता है वह वर्ष की विस्तार सीमा क्या होगी जब तक उस वर्ष की जो है जनगणना प्रकाशित नहीं होगी? तो ये जो है 2026 ईस्वी तक जो है यथावत रखने की संभावना दी गई है। अगले सवाल को देखें, कितने सदस्यों द्वारा विभागीय प्रवर समिति का गठन किया गया था? तो ये 45 सदस्यों के द्वारा किया गया था। कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो है अनुच्छेद के द्वारा विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन राज्य में होता है? तो विधान परिषदों की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है, और जबकि 170 में विधानसभा की संरचना है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अगला सवाल कहता है 10वें विधानसभा के किस उत्तर पूर्वी राज्य में भारत सरकार ने VVPAT के द्वारा आइजोल में चुनाव कराया गया? तो आइजोल में चुनाव कराया गया, तो आपको पता है कि आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भूमि सुधार संबंधित है किस विषय से? तो ये संबंधित है राज्य सूची से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कहता है कौन सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 22 के एक में जो है स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार ये दिया गया? तो ये जो है सत्य है। कहता है अनुच्छेद 22 के 4 में कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि जो है 3 माह से अधिक विरुद्ध यानी निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, ये भी सत्य है। और कथा अनुच्छेद 22 के 2 में कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं है, ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किन अनुच्छेदों के द्वारा जो है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है अनुच्छेद 333 में किया गया है, और लोकसभा में 331 में। अगला सवाल, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध एक बचाव ऑपरेशन से है, क्योंकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगले सवाल को देखें, कथा प्रत्येक किसान परिवार को प्रति वार्षिक 100% वित्त पोषित केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है कितने रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है? तो 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है किसानों की। अगले सवाल को देखें, कथा है अग्नि प्राइम की क्षमता कितनी है? तो अग्नि प्राइम जो है मिसाइल की क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर है। अगले सवाल को देखें, हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत के किस जिले के भाग में अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के बिजनौर रोड में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखें, कथा ग्लोबल मीथेन पहल GMI 2004 में निर्माण किया गया था, और इसके सदस्य देशों की संख्या क्या है?
इसके सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो यह है कुल 45। अगले प्रश्न को देखें, कहते हैं उत्थान संबंधित है किससे? तो ये उत्थान जो है ये संबंधित है एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जिसमें 9000 सफाई साथी को मदद देने के लिए बनाया गया। अगले सवाल को देखें, कहता है ब्लॉकचेन तकनीकी को किस मंत्रालय द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो ब्लॉकचेन तकनीकी ये सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगला सवाल, कहता है किस दिन जो है सोमवार्थ यानी कि संस्थानों के लिए भारत सरकार ने सेवा भोज योजना चलाया था? तो सेवा भोज योजना ये चलाया गया था 1 जून 2018 को। अगले सवाल को देखें, कथा प्रथम जनजातीय उद्यमी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दांतेवाड़ा में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है PENCIL पेंसिल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप होता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखें, कहता है किस संस्थान के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो एशिया प्रशांत पुरस्कार यानी कि किस संस्थान के द्वारा दी जाती है? तो ये यूनेस्को के द्वारा दी जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता अभी हाल ही में किस देश ने मलेरिया से मुक्त होने का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये देश कौन सा है? ये है अर्जेंटीना। अगला सवाल देखें, तो कामो अलेवा ये जो है एक प्रकार का क्वारी उपग्रह है। अगले सवाल को देखें, कथा हाल ही में मध्याह्न मील योजना द्वारा परिवर्तित कर दिया यानी कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित कर दिया है और इसका नाम रखा है PM पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय योजना। अगले प्रश्न को देखें, कथा हर घर दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो हर घर दस्तक ये जो है अभियान चलाया गया ये पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करना और कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाया गया था हर घर दस्तक अभियान। अगला सवाल देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट के द्वारा INS बेला को शामिल किया गया? तो INS बेला को प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है शामिल किया गया। अगले सवाल को देखें, कहता है विश्व प्रवास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है और स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल को देखें, कथा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा राज्य ग्रुप ए में सर्वोच्च स्थान हासिल किया? तो यह है गुजरात। अगले सवाल को देखें, कहता है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था वाइस एडमिरल विनय बधवार को। अगले सवाल को देखें, कहता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जो है दिया गया था किसे? ये अजय अक्षय कुमार को दिया गया था। अगला सवाल देखें, कथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 151 रहा था। अगला सवाल को देखें, कथा सुलावेसी भूकंप निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में घटित हुई थी? तो ये इंडोनेशिया में घटित हुई थी। अगला सवाल देखें, कथा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR में कितने देश भागीदार हैं? तो MTCR में जो है कुल 35 देश भागीदार हैं। अगले सवाल को देखें, शंघाई सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था शंघाई चीन में। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय संस्थानों के कार्य करने के तरीकों और उनके आधार की जांच करने से संबंधित थी? तो बात करें तो इसमें जो है नरसिम्हा समिति जो है ये जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है यानी कि वित्तीय क्षेत्र से था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस आधार पर जो है अस्फीति की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है? यानी कि मुद्रा अस्फीति की माप जो है कहता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जो है निकाला जाता है, तो इसमें जो है मासिक लिया जाता है मासिक आधार पर। अगले सवाल को देखें, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है GDP वृद्धि दर से। अगले सवाल को देखें, कहा गया है
निम्नलिखित में बाजार के किस भाग के स्वरूप का प्रकार मांग के आधार पर बहुत लघु अवधि का होता है? तो वैसा बाजार का नाम बताना है जिस भाग के स्वरूप का आकार जो है प्रकार मांग के आधार पर बहुत लघु अवधि का होता है, और ये बाजार कहलाता है कॉल मनी बाजार। अगले सवाल को देखें, कहता है नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेशनल हाउसिंग बैंक का जो है मुख्य उद्देश्य तो दिया देखा जाए तो ये था आबादी के सभी समुदाय को गृह निर्माण से संबंधित वित्तीय सुविधा का किफ़ायती मूल्य पर और नियमों की लोचशीलता पर प्रदान करने की सुविधा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी केवल सत्य है, तो बी होगा। अगले सवाल को देखें, कहता है कब बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया? बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था 28 जनवरी 2016 को। अगले सवाल को देखें, कहता है वह राज्य जहां शहरी आबादी का सबसे उच्चतम प्रतिशत है, तो सबसे शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत में गोवा है, और सबसे उच्चतम जनसंख्या देखा जाए तो वहाँ महाराष्ट्र होगा, लेकिन प्रतिशत में गोवा। अगला सवाल को देखें, कहता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से 20 सूत्री कार्यक्रम की कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 ईस्वी में चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसके अंतर्गत जो है कहता है इसमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो ये जो है पुलिस सुधार शामिल नहीं है, जबकि श्रम कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सभी के लिए गृह ये था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत जो है उन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जो ब्रिटिश काल में निर्मित और राष्ट्रीय राजमार्ग पर असुरक्षित रूप में है उनके निर्माण के लिए सरकार की कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसके लिए जो योजना चलाई गई वो है सेतु भारतम योजना। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन से वक्र का संबंध जो है मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित करना है? तो मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है फिलिप्स वक्र। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के मापन का मांग नहीं है? राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के मापन का मान जो है यानी मांग नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि सुशासन जो है इसके अंतर्गत नहीं है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।